गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। 15वीं सदी में कबीर ने गुरु को भगवान पर तरजीह दी थी, लेकिन 2022 में कबीर के ही देश में, कबीर के ही राज्य में ऐसी घटना सामने आई है जिसने उनके इस दोहे को न सिर्फ उलट दिया बल्कि लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कबीर द्वारा कहा गया यह दोहा पूरी तरह सही भी है या नहीं। नए भारत में आपका स्वागत है। इस नए भारत में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नया हो रहा है। सांप्रदायिक उन्माद से लेकर मॉब लिंचिंग तक सब इसी नए भारत में हो रहा है। समाज में फैलती नफरत और उस नफरत पर प्रधान सेवक की चुप्पी, यह भी इसी नए भारत में हो रहा है। अब इस नए भारत में जो हुआ है उसने न सिर्फ कबीर के दोहे को झुटलाया है बल्कि अध्यापक वर्ग का सर भी शर्म से झुका दिया है। इस बेबस पिता की चीखों को सुनिए, उनके दर्द को समझिए। यह दिव्यांग पिता अपने आधे हाथ फैलाए हुए बेटे के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वह रो रो कर मांग कर रहा है कि उसके बेटे के हत्यारों को सजा दी जाए। 23 जुलाई वह तारीख जब जहांगीर ने अपने 15 वर्षीय बेटे दिलशाद को कन्नौज के एक निजी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भेजा था, लेकिन वहां से वह अधमरी हालत में अपने घर लौटा। दरअसल दिलशाद को घड़ी चोरी के शक में शिव कुमार यादव नामी एक अध्यापक ने कमरे में बंद करके जानवरों की तरह पीटा। पिटाई की वजह से गंभीर रूप से घायल हो चुके दिलशाद को उसके दोस्त उसके घर लेकर पहुंचे। दिलशाद के परिजन उसकी हालत देखते हुए फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए, जहां से उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन दिलशाद जिंदगी की जंग हार गया। कानपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस बेबस पिता को इस दर्द के साथ ही जिंदगी गुजारनी है कि उसका बेटा उससे हमेशा के लिए जुदा हो गया। यह घटना छिबरामऊ कोतवाली की है। मड़िया गांव निवासी दिलशाद के पिता जहांगीर ने पुलिस को तहरीर दी है। दिलशाद के दोस्तों ने बताया कि दिलशाद कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए गया था। वो काउंटर पर फॉर्म जमा कर रहा था, इसी दौरान वहां बैठे शिक्षक शिव कुमार यादव की घड़ी चोरी हो गई। काफ़ी तलाशने के बाद जब घड़ी नहीं मिली तो शिव कुमार ने दिलशाद को कमरे में बुलाकर पूछताछ की। शिव कुमार एक बंद कमरे में छात्रों से पूछताछ कर रहा था। दिलशाद जब वहां पहुंचा तो शिव कुमार ने दिलशाद को बर्बरता से पीटा। दिलशाद के साथी छात्रों ने बताया कि कमरे से दिलशाद के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन शिव कुमार पर इतना गुस्सा सवार था कि वो काफ़ी देर तक दिलशाद को पीटता रहा। उसके दोस्तों ने बताया दिलशाद ने घड़ी चुराने से मना कर दिया। इस दौरान शिव कुमार का भाई प्रभाकर भी वहां आ गया और मिलकर उसे बहुत मारा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। दिलशाद के पिता जहांगीर ने बताया कि मेरा 13 साल का बेटा दिलशाद एडमिशन लेने के लिए RS इंटर कॉलेज गया था, जहां घड़ी चोरी का आरोप लगाकर उसकी काफ़ी पिटाई की गई, जिससे बेटे की हालत बिगड़ गई। पिता ने कहा कि जब दोस्त उसको घर लेकर आए तो बेटे को उल्टी हो रही थी, उसके मुंह से हल्का खून भी आ रहा था। तुरंत उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से कानपुर रेफर कर दिया। कानपुर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 25 जुलाई की देर रात उसने दम तोड़ दिया। इन लोगों ने मेरे बच्चा को इतनो मारो के मार पीट के बाद मेरे बच्चा घर आओ तुरंत पलटी करन लगो मेरे बोना गांव गत्ते गलती बेचे पालिक लड़का ने एक लड़की के बेग में घड़ी दत्ती। मेरे बच्चे ने जा कही कि हम RS में पापा एडमिशन कर रहे हैं, तो हमने जा कही लल्ला तुम जी में एडमिशन कराओ बा में एडमिशन करा ले तुम इंटर कर ले कही दे तो जी सवेरे स्कूल ही गए। स्कूल जाके इन लोगों ने मेरे बच्चा को इतनो मारो प्रभाकर और शिव कुमार और एक और है विवेक, इन तीन लोगों ने 1.5 घंटा बंद करके मेरे बच्चा की दोनों। पीड़ित ने बताया आरोपी शिक्षक शिव कुमार कुकापुर गांव का रहने वाला है
और स्कूल का संस्थापक भी है, जबकि उसका भाई प्रभाकर उसी स्कूल में टीचर है। पलिया बंचपुर गांव निवासी विवेक यादव के साथ मिलकर मेरे बेटे को पीटा था। अब दिलशाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिलशाद की मौत का कारण क्रोनिक लंग डिसीज पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तथा मृत्यु का कारण क्रोनिक लंग डिजीज है। इस प्रकार पिटाई और मारपीट से मृत्यु की बात असत्य पाई गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच गहराई से की जा रही है, तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिलशाद के पिता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर किए गए पुलिस के इस दावे को खारिज कर रहे हैं। दिलशाद के पिता ने कहा कि उनके बेटे को कोई बीमारी नहीं थी और पिटाई के बाद ही उसकी हालत बिगड़ी थी। दिलशाद के पिता जहांगीर ने दोबारा पैनल से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। जहांगीर ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने पिटाई की थी वो पैसे वाले हैं और उनकी ऊंची पहुंच है, इस वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं आई। उधर तीनों आरोपी नहीं मिले। छिबरामऊ कोतवाल जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि वे RS इंटर कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज में कोई भी आरोपी नहीं मिला। तीनों के फोन नंबर भी मिलाए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज न कल हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाएंगे, लेकिन सोचिएगा जरूर, हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक समाज में ऐसे विश्व से भरे गुरु रहेंगे तो विश्वगुरु की कल्पना भी कैसे की जा सकती है।